कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी। आप राहुल गांधी जी आंकड़ा निकाल के देखिए। राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिकल लीडर है। देश में जो नफरत फैल रही है उसका कारण अन्याय है। किस प्रकार का अन्याय? आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय। देश में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। भैया इस बाजे को ऑफ करिए। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12% है। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सबको खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है। खस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। राहुल गांधी जी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। देश की तरक्की आपको दिख नहीं रही। आप 12वें नंबर पर लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था छोड़ के गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाई पाई जोड़कर गरीबों का विकास करके देश की अर्थव्यवस्था को 12वें 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाया, उसे 3रे नंबर पर ले जाने का लक्ष्य रखा। आज विश्व पटल पर भारत एक इनोवेशन वाला देश बन के सामने आया। आज कॉरपोरेट सोसाइटी, स्वयं सहायता समूह, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकली जो ग्रोथ है भारत की हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, सेमीकंडक्टर एनर्जी हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे फार्मिंग सेक्टर हो, हर सेक्टर में भारत आगे बढ़ा है। जो स्टार्टअप की संख्या सैकड़ों में होती थी, आज देश के 763 जिलों में 1,17,254 स्टार्टअप कंपनियां चल रही हैं। 1,00,000। और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। भारत का जीडीपी जहां आप छोड़ के गए से, उससे आज कहीं आगे बढ़ा है। महंगाई दर कम हुई है, रोजगार मिले हैं। आप राहुल गांधी जी आंकड़ा निकाल के देखिए। राहुल गांधी को कोई जॉब अभी है कि नहीं? प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं ना? क्या मतलब इस तरह का? कभी लंदन चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे, फिर कुछ बोल के चले जाएंगे, फिर ग्वालियर से चले जाएंगे। राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिकल लीडर है, समझ गए?
कुछ भी आए बोल देना है। तो उनकी बातों को देशी नेता गंभीरता से, बाप लीजिए, देश जानता है मोदी जी ने क्या देश के लिए किया है, देश की इकोनॉमी के लिए किया है, रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं, ये देश दिख चुका है। अभी अभी कांग्रेस के नेता ने कहा कि इस देश के दो टुकड़े होने चाहिए, खुलेआम देश के दो टुकड़े करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस स्टेटमेंट से कन्नी भी नहीं काटती है, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। मां भारती का अपमान करने वाले जॉर्ज पुनिया का कांग्रेस के राजकुमार आशीर्वाद लेते हैं, जॉर्ज सोरेस जो भारत विरोधी है वो उनका समर्थन करता है, कोयम्बतूर बम ब्लास्ट को इंडी अलायंस इसके गुनेगारों को रिहा कर देती है, और कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाकर मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगते हैं, पाकिस्तान की मदद मांगते हैं। जब धारा 370 मोदी जी ने हटाई, राहुल गांधी का 370 के समर्थन में जो बयान था वो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में कोट अनकोट कर शर्म करो कांग्रेस ही, आपके देश के खिलाफ आप विदेश में जाकर बोलते हो, देश के प्रधानमंत्री, देश की संसद, देश के लोकतंत्र की निंदा विदेश में जाकर करते हो, और धारा 370 जैसी महत्वपूर्ण चीज को आपने पाकिस्तान को यूएन में हथियार देकर देशद्रोह का एक उदाहरण सेट किया है मित्रों। और मैं देश की जनता को कहता हूं, ये विभाजनकारी प्रवृत्ति जो आजादी के वक्त थी वो आज भी वहां पर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ।